गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको गैबरडॉन का सिटी टूर करवाने वाले हैं। तो जो जो भी यहाँ पर मेन है वो सारा आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमारे व्यूवर्स की बहुत पहले रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप एक बार सिटी टूर भी करवाइए। तो यहाँ की मेन जगह हम आपको दिखाने वाले हैं आज, तो बने रहिए पूरा ब्लॉग में। तो चलते हैं सिटी टूर करने। निर्भय, आर यू रेडी टू गो? ही जाएंगे, वहाँ से दिखाएंगे ना पूरा गैबरडॉन। यस, रेडी हो सब लोग हमारे साथ आई टावर से पूरा गैबरडॉन देखने के लिए? ये अभी हम इस बिल्डिंग के टॉप पे जाने वाले हैं और वहाँ से आपको पूरी सिटी दिखाएंगे। क्या है इसे आई टावर कहा जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं आई टावर के टॉप फ्लोर पर, जहाँ से हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं। बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वो भी फर्स्ट टाइम जा रहा है वहाँ से देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं। टेबल 52 रेस्टोरेंट में, जो कि 28 फ्लोर पर है। तो जस्ट वेटिंग, आई थिंक पहुंच गए। यहाँ पर अभी जो इस बिल्डिंग में हम आए हुए हैं ना, ये पूरे बोत्सवाना की सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग है। और यहाँ पर टेबल 52 जो एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर लोग आते हैं यहाँ का सनसेट, उसके लिए हम कभी अलग से आएंगे जो आपको दिखाएंगे। और यहाँ से पूरा जो हमारा गैबरडॉन सिटी आपको दिखाई देगी। एंड आप देख रहे हैं बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरिया तो नहीं, बट यहाँ पर ऑफिसेज वगैरह बिल्डिंग्स हैं, आपको पूरा दूर दूर तक नज़र आएगा। सामने आपको देखोगे तो डैम भी है, वो भी नज़र आ रहा है। एंड एक माउंटेन है जहाँ पर खाले ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, वो आपको नज़र आएगा। और इस्कॉन टेम्पल है, यूजुअली आप हमारी वीडियोस में देखते ही हैं, तो उसका पूरा टूर भी आपको हम एक वीडियो जो लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ देख सकते हैं। एंड सारी यहाँ पर जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा हाई स्क्रेपर जो है बिल्डिंग्स नहीं दिखेंगी, ये ही एक दो बिल्डिंग्स है जो ज़्यादा हाई वाली है, अदरवाइज सारी बहुत फ्लैट हैं। इवन स्कूल्स की भी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती पूरे एरिया में, क्योंकि लैंड बहुत ज़्यादा होता है, तो काफ़ी पूरा स्प्रेडेड है। और ग्रीनरी आप देखोगे ना, पूरा ऑल अराउंड आपको ग्रीनरी की तो भर भर के है, इसीलिए अफ्रीका है। एंड बाकी तो आप आपको हम दिखाते हैं नीचे जाकर भी पूरा कैसा है। तो अभी हम वहां से आ चुके हैं और बहुत प्यारा सा व्यू था, उसके बाद अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह पर। तो अभी इस बिल्डिंग से आए हैं हम लोग, और इस पूरे एरिया में ऑफिसेज एंड होटल्स है ना, ऑफिसेज होटल्स रेजिडेंशियल एरियाज। तो अभी हम लोग आए हैं बोत्सवाना की गैबरडॉन की बहुत ही पॉपुलर जगह पर, जहाँ पर मतलब मेन मॉन्यूमेंट्स हैं गैबरडॉन के, जो पूरे बोत्सवाना के फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर लोग दूर दूर से देखने के लिए यहाँ पर इसे देखने के लिए आते हैं। तो पूरी एक हिस्ट्री है यहाँ पर, वो आपको डिटेल में दिखाएंगे। अभी भी लोग आए हुए हैं, गाइड उनको हेल्प कर रहे हैं, तो आपको हम और करीब से दिखाते हैं। से शुरू होते हैं और सारे जो ये फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी मतलब पुराने से लेकर शुरू होता है, जिनका सन आप देख सकते हैं 1820 to 1830, ये मतलब 1800 ईयर्स के टाइम का है। और उसके बाद वहाँ पर ऐसे ही पूरा सीरीज़ में इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये है बोखा का,
इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है। तो ये हमारे 1830 से 1880 वाले हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते थे। फिर ट्रांसफॉर्मेशन आप इधर यहाँ पर देख सकते हैं ना कि थोड़े से मॉडर्नाइज हो गए हैं, क्योंकि ये यहाँ पर आ जाते हैं। ये हमारे जो लास्ट होते हैं ना, उसमें देखिए 1950s टू 1960 उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो वो वहाँ तीन वहाँ थे और तीन यहाँ पर। और अभी आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, आप देख रहे हैं ना ये इनका नेशनल एम्बलम जो होता है, जिसमें दो ज़ेब्राज हैं दोनों साइड्स में, और यहाँ पर मेन इनका पुला जो कि करेंसी होती है, एंड ये आई थिंक वाइल्ड बीस्ट है जो बीच में दिखाया गया है। एंड ये मेन खामा, सिबेले, बोथान, बाथोने, तो तीनों जो बेस्ट मतलब बड़े वाले इनके फ्रीडम फाइटर्स रहे होंगे, उनका पूरा ये मॉन्यूमेंट्स बनाया गया है। तो अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पर ना जो ट्रेडिशनल वे में घर बनाए जाते हैं ना उसके ऊपर। हाँ, पहले ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है जैसा आप देख रहे हैं, फिर उसको कवर किया जाता है ऐसे एक एक तिनके से जैसा वहाँ पर कर रहे हैं, और पूरा एक हट बना रहे हैं पूरा ट्रेडिशनल वे में। आई थिंक इसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं और अच्छा बना रहे हैं। तो यही था आज का ये जो आपको दिखाया, और यही इसके जस्ट ऑपोजिट हाई कोर्ट है, पीछे भी कोर्ट ऑफ जस्टिस है, एंड देन हम आपको और भी दिखाते हैं। तो चलिए, ये हाई कोर्ट है बोत्सवाना की, काफ़ी बड़ी है। मॉल, तो इस मॉल का जो पूरा टूर हम आपको एक वीडियो में हमने दिखाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखा देंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेन मॉल, मेन से आपको आइडिया लग ही रहा होगा सेंटर ऑफ द सिटी है, यहाँ पर काफ़ी सारी एम्बेसीज हैं, ऑफिसेज हैं, तो वो एरिया आपको दिखाते हैं। अभी हम मेन मॉल के एरिया में खड़े हुए हैं, यहाँ पर ज़्यादातर एम्बेसीज वगैरह होती है, और मेरे सामने मतलब मेरे साथ में जो आप पेड़ देख रहे हैं ना, बहुत ही प्यारा पेड़ है, पूरा इसमें लीव्स ही नहीं है, पूरे में फ्लावर्स ही फ्लावर्स है, पिंक कलर का पूरा लश पिंक। और ये आपको यूजुअली सारे साउथ अफ्रीका में मींस बोत्सवाना ये सब एरिया में मिलेंगे। और नीचे भी फ्लोर कितना सुंदर लग रहा है, और हमारे पीछे जो बिल्डिंग है वो है आई थिंक एंटरप्रेन्योर कुछ मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योर बिल्डिंग है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वो सारी बिल्डिंग्स यहीं पर ही है। तो ये पेड़ देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मतलब ये जब से इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कहीं कहीं जगह पर ये फूल के पेड़ लगे हुए हैं, खाली फूल ही फूल होते हैं, यहाँ पर पत्ता दिखता ही नहीं है। तो इन्होंने मुझे बोला जिससे पहले कि ये इसके फॉल हो तो इसको शूट कर लेना है, क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं ना, तो सारे ये झड़ जाएंगे, पर बहुत ही ब्यूटीफुल पेड़ है। तो अभी आपको मेन मॉल का और इंटरनल एरिया दिखाते हैं यहाँ का। वो सामने म्यूज़ियम है, हम आपको वहाँ पर भी दिखाएंगे एक दिन आकर कि कैसा है। और पीछे यहाँ पर चर्च है, सामने भी एक और चर्च है, ये भी काफ़ी बड़ी चर्च है, ये यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है प्रिंसेस मरीना। अभी हम आपको दिखाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोत्सवाना, काफ़ी मतलब बिल्डिंग नहीं है बट काफ़ी फैली हुई है, अच्छी है। और ये सामने आप देख रहे हैं यहाँ का नेशनल स्टेडियम है, काफ़ी बड़ा। और इधर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ बोत्सवाना, ये भी काफ़ी स्प्रेडेड है, ये पूरा कैंपस है यहाँ की यूनिवर्सिटी का। तो इधर जो आप देख रहे हैं ना, आई थिंक ये हॉस्टल है, रेजिडेंशियल एरिया है यहाँ पे बच्चों के लिए, एंड ये पूरा हाँ ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ की मॉस्क है, मस्जिद है, यहाँ दो बड़ी बड़ी मस्जिद हैं, यहाँ से सामने रिवॉक मॉल आ जाता है, और ये रास्ता जो है टुवर्ड्स साउथ अफ्रीका जा रहा है, यहाँ से बॉर्डर बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है।
आ गए हैं रिवरवॉक मॉल, क्योंकि हम रिवरवॉक की तरफ आ गए थे और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है अभी। दो विंटर, हाँ ठंडा ठंडा कुछ खाना, निर्भय को भी कुछ खिला देते हैं ठंडा ठंडा। एंड क्योंकि वैसे तो विंटर्स आने वाले, पर वेदर ना अभी बड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी ठंड हो जाती है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम धूप में भटक भटक के थोड़ा काफ़ी हीटअप हो चुके हैं, तो हमें थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए। तो हम आए हैं रिवरवॉक मॉल में ही, तो यहाँ पर कुछ आइसक्रीम वगैरह खिलाते हैं और खाते। तो अभी हम लोग रिवरवॉक मॉल की फेवरेट, जो कि निर्भय की फेवरेट जगह है, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अभी वो देख रहा है कौन से फ्लेवर की हम उसको आइसक्रीम खिला रहे हैं। तो कौन सी खाएंगे आप? तो वो चोको डिप वाली खाने वाले हैं। और जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये पूरे ट्रेडिशनल कपड़े हैं। मैं आपको दिखाती हूँ जो यहाँ के, मतलब एक फ्ली मार्केट टाइप लगती है मॉल्स के अंदर। देखिए ये सारे जो कपड़े हैं ना, ये ट्रेडिशनल इनका प्रिंट रहता है, स्कर्ट्स कुर्ताज एंड यहाँ पर। और देखिए ये पूरा मतलब फ्रंट एरिया में ऐसे फ्ली मार्केट्स लगती है। तो हैंडमेड चीज़ें भी यहाँ पर मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ कुछ रखा हुआ ही है, ये पूरा हैंडमेड है। मिल्की लेन यहाँ की, जहाँ पर बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं और इनके आइसक्रीम भी टमेला। फाइनली निर्भय गॉट इट मच नीडेड आइसक्रीम। हाउ इज इट? नाइस है, खा लो। तो अभी यहाँ पर रिफ्रेशमेंट चल रही है, आइसक्रीम खा रहे हैं। एंड अभी हम लोग आपको यहाँ का दिखाते हैं, एक होटल दिखा देते हैं जो काफ़ी बड़ा है और पुराना भी है, काफ़ी फेमस भी है और बहुत सुंदर भी है, जो कि है ग्रैंड पाम होटल। एंड वो ब्लॉक 5 में पड़ता है अपना। और बाकी तो आपको दिखाते हैं, जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ना, ये कन्वेंशनल सेंटर हॉल है। एंड यहाँ पर होटल है जो कि 3 स्टार 4 स्टार जो भी आप कह सकते हैं। और ये ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, स्पेशली होटल के नहीं बोल सकती, बट वैसे भी घूमने के लिए आते हैं यहाँ पर, वॉकिंग करने के लिए आते हैं और फोटोग्राफी के लिए आते हैं, मैरिजेस वगैरह, बड़े बड़े प्रोग्राम्स यहाँ पर होते हैं। तो ये एक काफ़ी फेमस जगह है यहाँ की, जिसे ग्रैंड पाम होटल कहा जाता है। तो एक बार आप इसे देख लीजिए पूरा अच्छी तरीके से। कॉमर्स पार्क आ जाता है, जहाँ पर पूरे वेयर हाउसेज स्टोर्स हैं, क्योंकि गेम सिटी मॉल है उसके जस्ट ऑपोजिट। यहाँ पर देख रहे हैं और उसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर पड़ जाता है गेम सिटी मॉल। के पीछे जो भी शूटिंग है वो ऑल क्रेडिट जाता है इनको, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पूरा शूट किया है। नहीं तो ये है यहाँ का फेयरग्राउंड एरिया। एंड हमने आपको काफ़ी कुछ दिखाने की कोशिश की है आज के ब्लॉग में, बट यहाँ पर और भी बहुत कुछ है। गोल्फ एरिया है, मंदिर जैसे आपको दिखाया है हमने, इस्कॉन टेम्पल यहाँ है, स्वामी नारायण टेम्पल है एंड हिंदू टेम्पल है, मॉस्क हैं, गुरुद्वारे हैं। उनके सेपरेट ब्लॉग्स भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, इनफैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप डायरेक्टली वहाँ जाकर देख सकते हैं। काफ़ी कुछ है दिखाने के लिए, तो बट एक वीडियो में इतना ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप बोत्सवाना से रिलेटेड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिले और आप एक्सप्लोर कर पाए कि बोत्सवाना में, गैबरडॉन में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। एंड मिलेंगे जल्दी नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।